हाय, कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबे समय के बाद देखा। आज इस वीडियो को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक जर्नल, जो ग्रेजुएट जर्नल है, जिसकी फाउंडेशन अभी रखी गई है बाय मी एज ए पब्लिशर, तो उसके क्या फीचर हैं, कैसे कोई ऑथर वहां अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट टू पब्लिश द आर्टिकल इन दिस ग्रेजुएट जर्नल, क्या क्राइटेरिया होगा। बट बिफोर दैट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जर्नल, और व्हाई डू आई फील दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रेजुएट जर्नल एट द प्रेजेंट टाइम व्हेन देर आर एवरी वन लुकिंग फॉर दी इंडेक्स जर्नल, दैट मीन्स स्कोपस इंडेक्स और हैविंग सम इम्पैक्ट फैक्टर। सो एवरी वन इज लुकिंग बेसिकली टूवर्ड्स दी वैल्यू ऑफ द जर्नल। वेन ऑल द बिग नंबर ऑफ जर्नल्स आर अवेलेबल, देन एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जहाँ ऐसा एक बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं जिनका हाई एच इंडेक्स है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं, तो उस भीड़ में मुझको एक जर्नल की जरूरत क्यों पड़ी। एंड नॉट ओनली दिस जर्नल, वी रिक्वायर एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ द जर्नल्स फॉर आवर सोसाइटी। बट बिफोर दैट, आई बेसिकली वॉन्ट टू शेयर विद यू सम पॉइंट कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और ये ग्रेजुएट जर्नल का मतलब क्या है। ग्रेजुएट जर्नल का मतलब ये है कि जो प्राइमरी स्टेज के रिसर्चर्स हैं, दोज हू आर बेसिकली नॉट स्पेसिफाइंग द रिसर्च इन ए स्पेसिफिक डोमेन, कोर रिसर्च जो बेसिकली है, हु बेसिकली आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन दैट, राइट? सो दिस रिसर्च जर्नल इज फॉर देम। पॉइंट नंबर वन, कि जो अर्ली स्टेज जिनका कैरियर है इन टू द रिसर्च, लाइक एम फिल स्टूडेंट, एम टेक स्टूडेंट और द प्री पी एच डी, और इन द अर्ली स्टेज ऑफ द पी एच डी प्रोग्राम ऑल्सो दोज जो पी जी स्टूडेंट्स हैं, जो पी जी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, दे बेसिकली कैन राइट इफ दे डिड द प्रोजेक्ट इन ए ओरिजिनल वे, राइट? तो दे कैन ऑल्सो पब्लिश दियर आर्टिकल इन दिस जर्नल। नॉट ओनली दी आर्टिकल बट रिव्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ एनी एक्टिविटीज, बुक रिव्यूज यू कैन पब्लिश इन दिस जर्नल।